औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का सोशलिस्ट का पोर्शन हिस्ट्री, और हिस्ट्री का 11th चैप्टर द नेशनल मोमेंट 1872-1947। इसमें हम पहले जाएंगे नेशनल, जो यहाँ ईस्ट इंडिया और कंपनी जो यहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, उससे पहले यहाँ कौन कौन आए, थोड़ा हम उससे पहले की हिस्ट्री पे जाएंगे। यहाँ 1498 में यहाँ वास्को डी गामा आए थे, वास्को डी गामा आए थे। तो उन्होंने यहाँ एक न्यू रूट फाउंड की, उस वक्त फाउंड न्यू रूट टू इंडिया, और पहुंच गए रिचर्ड कोलिकेट। तो यहाँ एक फैक्ट्री भी बनाई थी वास्को डी गामा ने, यहाँ एक फैक्ट्री बनाई थी 1502 में, एक फैक्ट्री बनाई थी, और कहाँ बनाई थी, कोचिन में, कोचिन में एक फैक्ट्री बनाई थी। तो वो कहाँ के थे, वो एक्चुअली ये वास्को ये पुर्तगीज था, क्या थे, पुर्तगाल से आया था, पुर्तगीज था, यहाँ ई है एक्चुअली पुर्तगीज था। तो अब 17th सेंचुरी में, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इन सेवनटीन्थ सेंचुरी ये जो उन पुर्तगीज थे यहाँ ये डिक्लाइन हुए, और पुर्तगीज डिक्लाइन, अब यहाँ उनका जो पावर था वो ख़त्म हुआ, वो अब उनका कुछ यहाँ ही नहीं रहा, कि वो डिक्लाइन हुआ, ख़त्म हुआ उनका। उनने भी कुछ यहाँ बहुत सारे और भी जगहों पे कब्ज़ा किया था, मगर आखिरकार 1917 सेंचुरी में देयर पावर केम टू एन एंड, और उनके बाद आए डच आए थे। जो डच थे ये एक्चुअल हॉलैंड, जिसको आज भी हॉलैंड से आए थे, जो हॉलैंड से वो बिन्स पहले बिन्समैन कुछ यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फैक्ट्रीज भी बनाए थे, मगर ये भी उनका भी यहाँ खात्मा हुआ, फिर ये भी ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहे। और उनके बाद यहाँ आए थे फ्रेंच, आए थे फिर यहाँ आए थे फ्रेंच, फ्रेंच कब फ्रेंच आए थे यहाँ, फिर फ्रेंच आए थे, वो फ्रेंच जो थे यहाँ, उनका एक मिनिस्टर आया था फ्रांस से आया था, उसका नाम था कॉलबर्ट। तो उसने यहाँ फाउंड किया था, ही फॉर्मड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे यहाँ फॉर्म किया। तो उनने बहुत यहाँ जगहों पे कब्ज़ा किया, और यहाँ ट्रेड शुरू करने किया, और वो भी एक्चुअली अपना प्रॉफिट यहाँ निकालना चाहते थे, और बाद में यहाँ आए इंग्लिश, मिसाल के तौर उनका अब यहाँ आना ब्रिटिश आए थे। तो ब्रिटिश उन्होंने भी ये कब आए थे, एक्चुअली उनका भी है, मिसाल के तो यहाँ ये एक क्वीन एलिजाबेथ ने, यानी कि 9600 एक्चुअली हम कहेंगे 600 में, क्वीन एलिजाबेथ ने यानी कि एक चार्टर वहाँ पास किया था,
और वहाँ ये भी यानी कि हिंदुस्तान में एक कंपनी यानी कि स्टेप्स हो जाए वो 1960 में। अब ये आगे पढ़ेंगे, अब मिसाल के तौर ये कल हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स कहाँ से आए, कहाँ आए थे, मगर पहले ये ज़रूरी था कि हमें ये देखना था उनसे पहले पहले यहाँ कौन कौन आए, हिंदुस्तान कौन कौन आए थे, ये ज़रूरी। इससे पहले ब्रिटिशर्स से पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पहले यहाँ कौन आए थे, ये ज़रूरी जानना था आपको। कल हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स कब आए थे, कैसे आए थे और किस वजह पे आए थे। चलो अस्सलाम वालेकुम।